वेलकम अगेन गाइस टू दिस डिस्कशन ऑन क्लास नाइन्थ ज्योग्राफी, क्लास नाइन्थ ज्योग्राफी एंड दिस इज चैप्टर नंबर 3 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया एंड पार्ट 1 उस पर आ चुका है। पार्ट 1 था हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट, उसमें इंट्रोडक्शन किया था हमने एंड ये पार्ट जो है वो है द हिमालयन रिवर सिस्टम के ऊपर, और जो अगला इसी में आएगा भी नीचे क्या द पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, जो आपको देखा अपनी की बुक में होगा कि आपको दोनों तरफ से अलग अलग दे रखा होगा और उसके सिस्टम मतलब जो भी जैसे हिमालयन सिस्टम में आता है इंडस सिस्टम, ब्रह्मपुत्र सिस्टम एंड गंगा सिस्टम, तो उसी तरह से आपकी बुक में भी मेंशन है और उसके बारे में हम अभी डिटेल में पढ़ने वाले हैं एंड आई एम मैं आपको शो भी करूँगा क्या उसका पाथ जो भी मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो मैप के द्वारा भी हम पढ़ेंगे जो कि बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए, ठीक है। सो स्टार्टिंग विद द इंडस सिस्टम, द रिवर इंडस राइजेज इन तिब्बत नियर लेक मानसरोवर। सो ये जो रिवर है इंडस ये कहाँ पे ओरिजिनेट होती है, तिब्बत में कहाँ पे मानसरोवर लेक के पास, और वेस्ट में फ्लो करते हुए एंटर करती है इंडिया में, वेस्ट में फ्लो करते हुए एंटर करती है इंडिया में लद्दाख रीजन में विद टोटल लेंथ ऑफ 2900 किलोमीटर। द इंडस इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। सो इंडस इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड क्योंकि इसकी लेंथ क्या है 2900 किलोमीटर। तो अब इंडस वाटर क्या है सब मतलब इंडस क्या है, इंडिया में फ्लो करती है, थोड़ी थोड़ी चाइना में भी है और पाकिस्तान में भी है, बट पाकिस्तान में ये ज़्यादा है, ठीक है, इंडिया से ज़्यादा है, पाकिस्तान में फ्लो करती है, तो इसलिए इशू रहता है कि पाकिस्तान ज़्यादा वाटर यूज़ करेगा या इंडिया। सो अगर आपको पूरा इंडस वाटर ट्रीटी समझना है, इंडस वाटर ट्रीटी जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में साइन एक तरह से एग्रीमेंट है जो साइन किया है कि इतना पानी तुम यूज़ करो इतना पानी हम यूज़ करेंगे, तो अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो यस हमारे चैनल पर वीडियो है इंडस वाटर ट्रीटी बाय गाइडेड पार्ट डाल देना आपको मिल जाएगी, ठीक है। सो इंडस वाटर ट्रीटी 1960 ये 1960 में साइन की गई थी एंड 20 इसमें लिखा है कि 20% वाटर जो है वो इंडिया यूज़ करेगी एंड देन 80% वाटर कौन यूज़ करेगा ऑफ इंडस यूज बाय पाकिस्तान, तो ये यूज़ करेगा कौन पाकिस्तान, बट हाँ हम 20% वाटर ही ढंग से यूज़ नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो हिमालयन रीजन है, वहाँ पे हम कुछ बना नहीं सकते हैं जल्दी, जब बनाएंगे तो फिर उसमें ज़्यादा खर्चा आता है और वहाँ पे उसके गिरने के चांसेस भी क्या हैं ज़्यादा हैं। सो 20% वाटर हम यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू इंडस वाटर ट्रीटी एंड 80% पाकिस्तान। इट कट तो आप इंडस पे आ जाते हैं दोबारा से, इट कट्स अक्रॉस द लद्दाख रेंज फॉर्मिंग ए स्पेक्टेकुलर गॉर्ज नियर गिलगिट इन जम्मू एंड कश्मीर। तो ये लद्दाख रेंज को कट करती है एंड देन ये क्या बनाती है एक गॉर्ज बनाती है। गॉर्ज क्या होता है, गॉर्ज कुछ नहीं होता, गॉर्ज होता है एक तरह से हम बात करें वैली टाइप में, तो ये वी शेप्ड वैली होती है इस तरीके से, ठीक है, वी शेप्ड वैली होती है, क्या गॉर्ज होती है क्या बनाती है, गॉर्ज बनाती है कहाँ पे गिलगिट में एंड जो कि है जम्मू एंड कश्मीर में। इट एंटर्स इन पाकिस्तान नियर चिल्लर इन दर्दिस्तान रीजन। सो ये एंटर करती है पाकिस्तान में कहाँ पे चिल्लर के पास इन दर्दिस्तान रीजन, ठीक है। सेवरल ट्रिब्यूटरीज द जस्कर द नुब्रा द सियोग एंड द हंजर ज्वाइन इट इन कश्मीर रीजन। तो बहुत सारी ट्रिब्यूटरी हैं जैसे जस्कर नुब्रा सियोग हंजा ये क्या ज्वाइन करती हैं इनको कश्मीर रीजन में। सो मैप के हिसाब से अभी आपको दिखा देता हूँ मैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं, देखो ये कहाँ पे हम बात करें ये कहाँ पे ओरिजिनेट होती है मानसरोवर लेक पे, ठीक है, कहाँ पे मानसरोवर लेक पे एंड ये आगे बढ़ती है वेस्ट में जा रही है, देखो वेस्ट में जा रही है एंड ये लद्दाख रीजन में जाएगी एंड लद्दाख रीजन में इसके पास जो ट्रिब्यूटरीज होती है श्योक, ठीक है, और हम बात करें और कौन सी थी श्योक थी और श्योक नुब्रा, ठीक है, जस्कर, तो बहुत सारी ऐसी ट्रिब्यूटरीज हैं जो इसे ज्वाइन करती हैं कहाँ पे लद्दाख रीजन में एंड ये देखो गिलगिट पाकिस्तान गिलगिट जम्मू एंड कश्मीर यहाँ पे क्या बनाती है पास करती है, देखो पास कर गई यहाँ पे कश्मीर को, तो ये रही ये फ्लो है, ठीक है, और ये क्या बनाती है यहाँ पे गॉर्ज बनाती है, क्या बनाती है गॉर्ज, गॉर्ज क्या होता है वी शेप्ड वैली, ठीक है। अब द इंडस रीजन फ्लोज फ्रॉम बाल्टिस्तान एंड गिलगितान एंड एमर्जेस फ्रॉम द माउंटेन एट अटक अटॉक, ठीक है, तो इंडस फ्लो करती है कहाँ पे बाल्टिस्तान और गिलगित आता है और कहाँ पे एमर्ज होती है माउंटेन एट अटॉक। द लास्ट द लेफ्ट बैंक सॉरी लास्ट हो गया था द लेफ्ट बैंक एंड इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस इज झेलम चेनाब रवि ब्यास एंड सतलज। सो ट्रिब्यूटरी के बारे में पार्ट वन में ही बताया था मैंने और पार्ट टू में ही बताया था, ट्रिब्यूटरी क्या होती है एक तरह से एक छोटी सी रिवर होती है जो ज्वाइन करती है मेन रिवर को एट एक्यूट एंगल एंड विच री इन्फ्लुएंस द फ्लो ऑफ वाटर। फॉर एग्जाम्पल ये देखो एक मेन रिवर है हम बोल सकते हैं, ठीक है, और ये क्या है एक छोटी सी रिवर है ज्वाइन कर रही है मेन रिवर को और इस फ्लो को क्या कर रही है बढ़ा रही है, सो ये क्या हो गई ट्रिब्यूटरी। अब ये ट्रिब्यूटरी लेफ्ट साइड से ज्वाइन कर रही है सो ये हो जाएगी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी और जो राइट साइड से ज्वाइन करेगी वो हो जाएगी राइट साइड ट्रिब्यूटरी, राइट ट्रिब्यूटरी हम बोल सकते हैं, ठीक है।
जो झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलज है, क्या है? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, और बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। कहाँ की? किसकी? इंदस की। फाइनली इट ड्रेन्स इंटू अरेबियन सी। तो ये क्या होती है, फाइनली कहाँ पे ड्रेन करती है? अरेबियन सी में। सो मैप में शो होगा आपको सब कुछ, ठीक है। तो ये एटॉक में, ये रहा एटॉक, ठीक है। तो यहाँ से फ्लो करते हुए एटक में, एटक के माउंटेन से निकलेगी, एंड इंदस को ज्वाइन करेगा आप कौन? ये देखो झेलम, ये यहाँ से आ रही है और यहाँ पे ज्वाइन कर लेगी, फिर यहाँ पे चेनाब, फिर यहाँ से रावी, ठीक है। ये ब्यास भी आ रही है पीछे से, एंड ये सतलज, ठीक है। सो ये सब ज्वाइन करेंगी इंदस को, और आप सब देख सकते हो लेफ्ट बैंक की बोट रही है, सारी लेफ्ट से ज्वाइन कर रही है, ठीक है। आप सब देख रहे हो ना, तो ये लेफ्ट से ज्वाइन कर रही है, एंड देन ये यहाँ पे आते हुए यहाँ यहाँ पे क्या आ जाएगा नीचे, अरेबियन सी, एंड देन ये एंटर कर जाएगी यहाँ पे अरेबियन सी में। सो आई होप आपको समझ में आया होगा इंदस वाटर सिस्टम, इंदस रिवर सिस्टम, ठीक है। सो ये ओरिजिनेट करती है मानसरोवर लेक में, एंड देन ये एंटर करती है इंडिया में, लद्दाख रीजन में, एंड देन ये कट करती है लद्दाख को, और क्या बनाती है? गॉर्ज बनाती है, ठीक है। गॉर्ज बनाती है गिलगिट पे, गिलगिट इन जम्मू एंड कश्मीर, एंड देन ये एमर्ज करती है एटॉक पे, माउंटेन्स ऑफ एटॉक, एंड बहुत सारी ऐसी ट्रिब्यूटरीज थी जैसे नुब्रा, श्योक, झंस्कर, एंड लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी थी? झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ठीक है। सो ये था इंदस वाटर सिस्टम। बात कर लेते हैं गंगा सिस्टम की। गंगा सिस्टम, गंगा गंगा की क्या ही बात करें, मतलब गंगा को एक तरह से हम माँ मानते हैं सब, ठीक है। तो गंगा एक रिवर है, गंगा बहुत बड़ी रिवर है, गंगा हमारी माँ है। अगर इसके बारे में कोई उल्टा बोल दे तो यस, उसके दांत टूटना तय है, ठीक है। सो गंगा सिस्टम, हेड वाटर ऑफ गंगा कॉल्ड भागीरथी। जो हेड वाटर है गंगा का, जो मेन स्ट्रीम है गंगा की, वो क्या है? भागीरथी रिवर इन द गंगोत्री ग्लेशियर। तो जो सोर्स है वो क्या है? गंगोत्री ग्लेशियर, जो कहाँ पे है? गौमुख, नियर गौमुख, इन उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में है क्या गंगा का हेड वाटर स्ट्रीम, जो कि मेन सोर्स क्या है उसका? गंगोत्री ग्लेशियर। एट देव प्रयाग द भागीरथी मीट्स द अलकनंदा हेयर इट इज नोन एज गंगा। तो देव प्रयाग पे ये भागीरथी रिवर के नाम से जानते हैं इसे, कहाँ पे? जब गंगोत्री ग्लेशियर से आती है, बट जब देव प्रयाग से भागीरथी अलकनंदा से मिल जाती है तो हम इसको बोल देते हैं क्या? गंगा। क्या बोल देते हैं? गंगा। और गंगा एंटर करती है प्लेन्स पे एट हरिद्वार। तो गंगा एंटर्स प्लेन एट हरिद्वार। तो अभी तक ये प्लेन्स पे नहीं आई है, तो ये प्लेन्स पे कब आती है? माउंटेन्स पे चल रहा है सफर अभी तक, देवप्रयाग वगैरह, एंड देन जब ये प्लेन पे आती है तो ये कहाँ पे आती है? हरिद्वार पे, ठीक है। तो गंगा एंटर्स प्लेन एट हरिद्वार, और बाद में ये दो अपनी ट्रिब्यूटरीज में टूट जाती हैं। तो ऐसे चल रहा था मामला, ये गंगा है, अपनी दो पार्ट्स में टूट जाएंगी, ठीक है। तो एक हो जाती है भागीरथी, एक हो जाती है हुगली, ठीक है। तो लेंथ कितनी है इसकी? 25 25 किलोमीटर, मतलब 2525 किलोमीटर, और ये कितना एरिया कवर करती है? 8.6 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया इंडिया में, सिर्फ इंडिया अलोन, ठीक है। बाकी बांग्लादेश वगैरह में भी होके आती हैं, ठीक है। सन इज इट्स मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, ठीक है। तो सन क्या है? इनकी मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी जो राइट से ज्वाइन करे और जो मेन रिवर है उसका फ्लो बढ़ाए। तो सन क्या है? राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। एंड हम बात करें लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी की, तो बहुत सारी है, राम गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानदी, महानंदा, सॉरी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, वही है गंगा में ही चल रहा है। तो यमुना क्या है? यमुना इज द वेस्टर्न मोस्ट एंड लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा सोर्स। तो यमुना क्या है? वेस्टर्न मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट मतलब जो इधर है, मतलब हम बात करें लेफ्ट साइड में, हमारे जहाँ मैं बैठा हूँ उधर से वेस्ट साइड होती है वेस्टर्न, ठीक है। तो यमुना इज द वेस्टर्न मोस्ट एंड लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी। ये क्या है? वेस्टर्न मोस्ट, और क्या है? लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है किसकी? गंगा की। एंड इसका सोर्स क्या है? यमुनोत्री ग्लेशियर। यमुना कहाँ से फ्लो करती है? सोर्स क्या है वाटर का? यमुनोत्री ग्लेशियर। कहाँ पे? बंदरपुच रेंज। बंदरपुच एक माउंटेन रेंज है, सर्च कर सकते हो आप सब। एंड हम बात करें क्या, ज्वाइंस गंगा एट देव, सॉरी प्रयागराज, और ये यमुना जो है वो ज्वाइन करती है गंगा को एट प्रयागराज, ठीक है। तो देव प्रयाग पे कौन करता है? अलकनंदा। और हम बात करें प्रयागराज, तो यहाँ पे कौन करता है? यमुना, ठीक है। गंगा फ्लोज ईस्टवर्ड टिल फरक्का इन वेस्ट बंगाल। तो ये ईस्टवर्ड फ्लो करते हैं कहाँ तक? वेस्ट बंगाल तक, एंड देन ये साउथवर्ड फ्लो करते हैं। तो भागीरथी और हुगली, गंगा भागीरथी एंड हुगली, दो डिस्ट्रीब्यूटरी है। डिस्ट्रीब्यूटरी मतलब जब मेन रिवर से टूटती हैं दो ट्रिब्यूटरीज में, तो डिस्ट्रीब्यूटरी दो या तीन जितने में भी टूटती हैं तो डिस्ट्रीब्यूटरीज, और अगर जुड़ती हैं तो ट्रिब्यूटरीज। अम्बाला क्या है? वाटर डिवाइड है किसके बीच में? इंदस और गंगा। तो अब वाटर डिवाइड क्या होता है? जो दो रिवर सिस्टम को अलग करता है, ये क्या है? वाटर डिवाइड। तो यहाँ पे फ्लो करेगा कौन सा सिस्टम? गंगा। यहाँ पे कौन करेगा? इंदस।
ठीक है, तो इस तरीके से जो अम्बाला है वो वाटर डिवाइड के काम करता है इन दोनों रिवर्स के बीच में। ठीक है, तो इसका भी मैप के दर्शन कर लेते हैं हम, तो मैप से ज़्यादा समझ में आता है, तो इसीलिए मैप हम ज़रूर देखेंगे हर किसी सिस्टम का। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज प्लीज इंसर्ट, दिस इज गंगा सिस्टम। ओ ये बहुत बड़ा हो गया, तो कौन ठीक है, आई होप सबको दिख रहा होगा अब। ठीक है, सो गंगा ओरिजिनेट हो गई यहाँ से, एक सेकेंड, तो गंगा ओरिजिनेट होती है यहाँ पे। ठीक है, भागीरथी। यमुना क्या है? वेस्टर्न मोस्ट सोर्स है, और जो कि साथ साथ चलेंगे, पैरेलल चलेंगे बट ज्वाइन करेंगे लास्ट में। ठीक है, तो भागीरथी एंड ये मिल गई हैं, अब तो ये गंगा के नाम से अब फ्लो करेंगी। यहाँ पे जो ट्रिब्यूटरी है अलकनंदा वो मिल जाती है, एंड देन इस यहाँ से गंगा के नाम पे फ्लो करेंगी। ठीक है, ठीक है, अरे देखो सन दिख रहा है, ये सन जो मैंने बताया था आपको, सन क्या है? राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, एक मेजर, और भी है बेतवा के ये सब है, लेकिन सन क्या है? मेजर ट्रिब्यूटरी है। अब जो हमने पढ़ी थी क्या, लेफ्ट बैंक, तो ये थी गोमती। ठीक है, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ठीक है, ये सब क्या है इसकी? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी किसकी? गंगा की। अब आगे बढ़ते हैं, अलाहाबाद आ गया, अलाहाबाद में कौन ज्वाइन करता है? यमुना। कौन ज्वाइन करता है? यमुना। एंड देन ये आगे आगे फ्लो करेंगी, फ्लो करेंगी एंड यहाँ पे साउथर्न मोस्ट में चली जाएंगी, एंड देन फॉल्स इनटू बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल। और यहाँ पे अम्बाला रीजन जो होता है वो इंडस रिवर को, इंडस भी यहीं कहीं आती है ना, पता है ना आपको, दिहांग एंड दिबांग वगैरह। ठीक है, तो यहीं पे आती है, एंड देन ये जो बीच में पोर्शन होता है ये काम करता है वाटर डिवाइड का। सो दिस इज गंगा रिवर सिस्टम। मूव टू द नेक्स्ट वन इज द ब्रह्मपुत्र सिस्टम, द ब्रह्मपुत्र सिस्टम, द ब्रह्मपुत्र सिस्टम। अब इसका ओरिजिन क्या है? द चेम चेमिया चेमयुंग दंग ग्लेशियर ऑफ कैलाश। तो ये सब भूल जाओ, सिर्फ कैलाश याद रखो। ब्रह्मपुत्र सिस्टम जो है वो कैलाश से ओरिजिनेट होता है, कैलाश रेंज से, नियर द मानसरोवर लेक। सो इंडस और ब्रह्मपुत्र दोनों का है, मानसरोवर लेक से ओरिजिनेट होती हैं। इट इज स्लाइटली लॉन्गर देन द इंडस, थोड़ी सी बड़ी है इंडस से, स्लाइटली लॉन्गर देन द इंडस, मतलब इंडिया की सबसे बड़ी रिवर है कौन? इंडस। इंडस सॉरी, इन ड्राई एंड फ्लैट रीजन ऑफ साउथर्न तिब्बत नोन एज तिसांगपो। तो चाइना में चाइना में हम ब्रह्मपुत्र रिवर को जानते हैं किस नाम से? तिसांगपो। तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी जो है किसकी? इंदस की, ओ सॉरी ब्रह्मपुत्र की, वो क्या है? रेंगो तिसांग पो, रेंगो तिसांग पो। इट टेक्स यू टर्न एंड एंटर्स इनटू इंडिया अरुणाचल प्रदेश थ्रू अ गॉल्फ। तो ये यू टर्न लेते हैं, इंदस में फ्लो कर रही है मतलब तिब्बत में फ्लो कर रहे हैं, एंड ये यू टर्न लेंगे एंड देन फ्लो गॉल्फ बनाते हुए अरुणाचल प्रदेश में एंटर करेंगे। और यहाँ पे इसे बोलते हैं क्या? दिहांग। क्या बोलते हैं? दिहांग। क्या बोलते हैं? दिहांग। इट इज ज्वाइंट बाय दिबांग द लोहित एंड मैनी अदर ट्रिब्यूटरीज टू फॉर्म ब्रह्मपुत्र इन आसाम। देखो दिहांग एंड दिबांग मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, ये देखो इसे मिटाने दो पहले। दिख जाएगा, ये देखो दिहांग दिबांग लोहित। ठीक है, तो ये सब मिलके क्या बनाएंगे यहाँ पे? ब्रह्मपुत्र। ठीक है, क्या बनाएंगे? ब्रह्मपुत्र, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो दिहांग दिबांग और लोहित मिलके क्या बनाएंगे इसको? ब्रह्मपुत्र। मेजर ही बात हो रही है, और भी ट्रिब्यूटरीज हैं जो मिलती हैं, जो हमने मैप में भी देखा है, बहुत सारी और भी थी। ये देखो मैप में, ये देखो दिकहू, दिसांग, दिहिंग, ठीक है, तो बहुत सारी और हैं, कोपिली, ठीक है, केम कामिंग, तो बहुत सारी हैं, बट अभी नहीं, अभी हमें इम्पोर्टेंट पढ़ना था, तो इम्पोर्टेंट में आ जाएगी दिहांग दिबांग एंड लोहित। द ब्रह्मपुत्र एंटर्स इंटू बांग्लादेश नियर धुबरी, तो धुबरी के पास ही बांग्लादेश में एंटर करती हैं। इन बांग्लादेश द टीस्टर जॉइन इट ऑन द राइट बैंक नोन एज यमुना। ठीक है, तो बांग्लादेश में क्या, बांग्लादेश में क्या टीस्टा ज्वाइन करती है इनको, और एज अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, और वहाँ पे इन्हें हम कहते हैं यमुना, सॉरी जमुना कहते हैं। ठीक है, जमुना कहते हैं मेरे को, यहाँ पे अगर दे रहा धुबरी। ठीक है, धुबरी, ये धुबरी के मतलब बांग्लादेश आ गया ना, ये बांग्लादेश पार्ट है ये पूरा। ठीक है, तो ये धुबरी में, धुबरी के थ्रू एंटर करते हैं एंड देन ज्वाइन करते हैं किसको? तिस्ता, एक रिवर है जो इनको ज्वाइन करती है, इधर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, एंड ये फ्लो करते हैं इन द नेम ऑफ जमुना।
वेल नोन फॉर फ्लड एक्सेट्रा। तो ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ये फ्लड्स के लिए बहुत मतलब जानी जाती है। तो ब्रह्मपुत्र रिवर स्टार्टिंग में इनके पास ज़्यादा वाटर नहीं होता, बट जैसे ही वो असम में एंटर करती हैं तो उनके पास पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है, बिकॉज असम जो एरिया है वो माउंटेन्स के द्वारा कवर्ड है। तो माउंटेन्स ज़्यादा होते हैं और जो फिर वहाँ पे जो बादल होते हैं वो एक ही एरिया में रहते हैं, और बहुत ज़्यादा बारिश होती है उस जगह पे। तो बारिश बहुत ज़्यादा होती है, ऊपर से माउंटेन्स हैं, तो वो क्या है जो वाटर है वो एस्केप नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से जो ब्रह्मपुत्र है वो बहुत ज़्यादा वाटर हो जाता है उसके पास और बहुत ज़्यादा फ्लड्स आने लग जाते हैं। ठीक है, और ये भी एक रीज़न है, और एक रीज़न ये है कि उसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं वो लार्ज हैं, बड़ी हैं, और लार्ज क्वांटिटीज में सेडिमेंट लाते हैं जिसकी वजह से रेनफॉल आता है, और वो बहुत ही अच्छा कैचमेंट एरिया है रेन के लिए, मतलब बहुत ज़्यादा रेन आता है वहाँ पे। ट्रिब्यूटरीज बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं जिसकी वजह से वाटर की जो वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, एंड देन वो ओवरफ्लो होता है, और ओवरफ्लो होने की वजह से फ्लड्स आते हैं। तो दिस इज अबाउट द हिमालयन सिस्टम, हिमालयन सिस्टम अच्छा खासा हमारा क्लियर हो गया है अच्छे से। ठीक है, तो यहीं पे समाप्त करते हैं इस पार्ट टू को। पार्ट थ्री में पढ़ना है हमें, क्या ज़्यादा नहीं बताया वैसे, पार्ट थ्री में देख लेते हैं क्या क्या पढ़ना है हमें। गाली मत देना कि भाई ज़्यादा पार्ट बना रहे हो। तो पेनिनसुलर रिवर, ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम, द महानदी आ जाएगी, गोदावरी छोटी छोटी है इसमें, द कृष्णा, द कावेरी, द नर्मदा, एंड देन उसके बाद तापी, तापी के बाद लेक्स, एंड देन चैप्टर इज फिनिश्ड। ठीक है, फिर आ जाएगा हमारा क्लाइमेट। तो इतना ही है अभी फिलहाल तो। ठीक है, तो इंडिया लेक्स में भी बहुत कुछ है बट हाँ अभी के लिए नहीं है। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय, बी सेफ इन दिस कोरोना टाइम। ह्यूज रिक्वेस्ट टू यू ऑल, प्लीज़ बाहर ना निकले, ज़रूरत हो तभी निकले। तो टाटा बाय बाय एंड सी यू।